एकेडमी, मेरा नाम है अब्दुल और डिजिटल लॉजिक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी, मेरा नाम है अब्दुल और डिजिटल लॉजिक डिजाइन में हम बेसिक्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, अब हम देखेंगे बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन पहले भी शुरुआत में दे चुका हूँ, मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे सबसे पहले तो बुलियन एक्सप्रेशन काम कहाँ आता है, लाइक व्हाट इज द एप्लीकेशन, ये सवाल होगा। तो आपको मैं बता दूं, जो हम बुलियन एक्सप्रेशन जो हम बनाते हैं वो एक्चुअल में आउटपुट के बेसिस पे हमें क्या करना है वो डिसाइड करता है, मतलब किस आउटपुट पे हमें क्या डिसीजन लेना है उससे हम उसका हम पूरी तरह से यूज हम जो करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन का, वो यहाँ पे एंड रिजल्ट पे हमें क्या एक्शन लेना है वहाँ पे किया जाता है। अब ये हम आपको लेक्चर्स में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम सर्किट्स को सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे अलग अलग जो काउंटर्स वगैरह आते हैं, डिजाइन आती है, वो सारे देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। बेसिकली सिंपल सी बात बताऊं तो हमारा जो आउटपुट आता है ना, वो जीरो से वन में फॉर्मेट में होता है, जीरो वन जीरो वन इसी तरह से आता है बुलियन में। लेकिन हमें बहुत सारे काम करवाने होते हैं, तो बहुत सारे काम कैसे करवाने हैं तो वो हम बुलियन एक्सप्रेशन से डिसाइड कर पाते हैं। सो यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन आर एसोसिएटेड विद बुलियन वेरिएबल्स, बुलियन कॉन्स्टेंट्स एंड बुलियन ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट एंड ऑपरेटर्स, लेकिन उससे पहले कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन बनता कैसे है तो वो दो फॉर्म में होता है, ठीक है। बेसिकली जब आप शुरू करते हो ना तो आपको दो फॉर्म पता होने चाहिए, उसी से शुरुआत होती है। तो बुलियन एक्सप्रेशन जो बनता है वो दो फॉर्म में हो सकता है, एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म जिसको हम यहाँ पे मीन टर्म्स भी बोलते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म जिसको हम यहाँ पे मैक्स टर्म भी बोलते हैं। और यहाँ पे मैं मीन टर्म एंड मैक्स टर्म को थोड़ा को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे जिससे आपको एक्चुअल में इनका मतलब पता चलेगा कि एक्चुअल में किस तरह से काम करते हैं। मीन टर्म्स क्या होती है, मैक्स टर्म्स क्या होती है, वो हम वन बाय वन अभी देख लेते हैं कि मीन टर्म्स क्या होती है और उसके पीछे मतलब यहाँ पे क्यों इसको सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है और किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए सबसे पहले हम मीन टर्म्स को देख लेते हैं। नाउ मीन टर्म क्या है, मैक्स टर्म क्या है। तो मीन टर्म जैसा कि मैंने बताया सम ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन इसके बारे में अगर हम देखें तो मीन टर्म दे आर द प्रोडक्ट ऑफ इनपुट वेरिएबल सच दैट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज वन, ठीक है। अब एक बात आती है दिमाग में, हमने क्या पढ़ा, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट्स पढ़ा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे जिसका हम क्या करेंगे, सम करेंगे, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये जो प्रोडक्ट्स जिनके हम सम कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट्स है वो क्या है, इनपुट वेरिएबल्स। तो दे आर प्रोडक्ट ऑफ इनपुट वेरिएबल सच दैट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज वन, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी। इसका मतलब मीन टर्म होता है। सवाल ये होगा कि क्यों वन, जैसे कि मेरे पास बाइनरी पैटर्न में मान लो 011 है, क्या है बाइनरी पैटर्न में मेरे पास 011 है, और मेरे पास जो वेरिएबल है वो है ए बी सी, ठीक है, मेरे पास वेरिएबल है ए बी सी और बाइनरी पैटर्न में मेरा यहाँ पे 011 है। तो इसको अगर मीन टर्म के फॉर्म में मुझे दिखाना हो तो कैसे दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हो ए की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, तो ए का हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बी एज इट इज रहेगा, सी एज इट इज रहेगा, क्यों, क्योंकि जहां पे भी वन आएगा उसको हम एज इट इज रखेंगे, जीरो आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, ए प्राइम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मीन टर्म का मतलब क्या होता है कि मेरा जो आंसर जो है प्रोडक्ट का वो वन आना चाहिए। यहाँ पे सवाल ऑब्वियसली आएगा कि क्यों वन। एक बात आपको बताता हूं, जब भी हम कोई सर्किट सॉल्व करेंगे या कहीं पे भी हमारा आउटपुट वन आता होगा, हमें वन आउटपुट पे कुछ एक्शन लेना होगा, तो हम वहां पे मीन टर्म्स को कंसिडर करेंगे, उसको हम यहाँ पे बताएंगे कि वो क्या है, मीन टर्म्स है। जहां पे भी हमें आउटपुट जीरो पे कुछ काम करना है उसको हम यहाँ पे बोलेंगे मैक्स टर्म्स, ठीक है। दोनों यहाँ पे एक दूसरे से अलग है, इसका मैं एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में लेने वाला हूं, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि मीन टर्म्स के अंदर क्या होता है कि हमारा आंसर जो होगा वो प्रोडक्ट का वो वन आना चाहिए। दैट मींस अगर आप 111 ये जो है बाइनरी नंबर, इसको आप अगर फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो किस तरह से लिखेंगे, ए बी सी लिखेंगे, अगर ए बी सी वेरिएबल है तो ए बी सी लिखेंगे, अगर 101 है तो ए बी प्राइम सी इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया। मीन टर्म में हम इस तरह से काम करेंगे।
थोड़े डाउट होंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट जैसे ही वीडियो का आएगा आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम एग्जाम्पल के साथ ये चीज समझने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि मीन टर्म क्या है, मैक्स टर्म क्या है। मीन टर्म आपको समझ में आ गया, अगर आपका यहाँ पे मीन टर्म क्या होता है एक्चुअल में, कि हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इनपुट वेरिएबल का जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे उसका जो आंसर है, वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। दे आर द प्रोडक्ट ऑफ इनपुट वेरिएबल्स सच दैट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज 1। अब सम ऑफ प्रोडक्ट के मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, जैसे कि मैक्स टर्म्स की बात कर लेते हैं, दे आर द सम ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, दे आर सम ऑफ इनपुट वेरिएबल्स सच दैट टोटल वैल्यू ऑफ सम इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 0 आंसर किसका आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ सम। दैट मींस अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे सम होंगे, मतलब वेरिएबल के समेशंस होंगे जिनका हम प्रोडक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करते थे, प्रोडक्ट का सम करते थे, यहाँ पे सम का प्रोडक्ट कर रहे हैं। दैट मींस अगेन हम यहाँ पे ले लेते हैं, मेरे पास ए बी और सी वेरिएबल है बाइनरी फॉर्म में, मैं यहाँ पे अगर 0 1 1 को किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो वो एज इट इज राइट है, लेकिन अगर 1 आता है यहां पे, मैक्स टर्म में अगर 1 आता है तो उसको हम यहां पे उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे ए बी प्राइम सी प्राइम। मतलब यहां पे हम 0 पे प्राइम लगाते थे, यहां पे हम 1 पे बार लगाएंगे, या फिर इसको हम ए प्राइम बी प्राइम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहा है, बेसिक फंडा है। तो 0 1 1 ए बी प्राइम सी प्राइम, और इसको मुझे अभी मैक्स टर्म के फॉर्म में दिखाना हो, सॉरी मैक्स टर्म में हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, यहां पे मेरी मिस्टेक है, ए प्लस बी प्राइम प्लस सी प्राइम। समझ में आया, ए प्लस बी प्राइम प्लस सी प्राइम, क्योंकि हम यहां पे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा डिटेल में एक टेबुलर फॉर्म में आपको दिखा देता हूं, और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तब तो समझ में आ ही जाएगा। लेकिन एक टेबल में बाइनरी पैटर्न में मीन टर्म क्या होता है, बाइनरी पैटर्न में मैक्स टर्म क्या होता है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं, ताकि ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल दिखा देता हूं। नाउ अब देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से हम ये जो 3 वेरिएबल का जो हमारा बाइनरी पैटर्न है उसको हम मीन टर्म में किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और मैक्स टर्म में किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मीन टर्म में, जैसा कि मैंने कहा, मीन टर्म में आउटपुट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और मैक्स टर्म में आउटपुट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आउटपुट 1 और 0 होना चाहिए, ये मीन टर्म और मैक्स टर्म ने खुद ही डिसाइड कर लिया है, कि जैसे कि कोई यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन या कोई सर्किट होगी जिसका यहाँ पे आउटपुट जब भी 1 आएगा तो उसको हम काउंट करेंगे एज अ मीन टर्म, जब भी यहाँ पे उसका आउटपुट 0 आएगा उसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे एज अ मैक्स टर्म। अब मान लो मुझे इसका ये पर्टिकुलर वैल्यू का आंसर 0 लाना हो, मतलब उसको मैक्स टर्म में कंसिडर करना हो, तो भाई ये तो 0 0 0 ही है ना, तो इसको हम ए बी सी लिखेंगे, मैक्स टर्म में तो ए प्लस बी प्लस सी, सिंपल। अब उसको मुझे एज अ मीन टर्म में एक्सप्रेस करना हो, जैसे कि मान लो कोई सर्किट कहती है कि जहां पे आंसर 0 होगा उसको यहाँ पे एज अ पॉजिटिव आउटपुट दिखाना है, तो जाहिर सी बात है मुझे ये 0 0 0 का क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, ए प्राइम बी प्राइम एंड सी प्राइम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, है ना, सिंपल। समझ में आया अभी आपको मैं क्या कहना चाहता था। तो इसी तरीके से इन्होंने काम किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 0 0 1 है, तो 0 0 पे तो यहाँ पे दिक्कत होती है मीन टर्म को, तो वो क्या करेगा, ये दोनों का प्राइम, ए प्राइम बी प्राइम, और सी तो एज इट इज है। लेकिन उसी जगह पे मैक्स टर्म क्या बोलता है, मुझे ए और बी पे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा सी प्राइम का, तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर ये जो 3 पैटर्न में जो बाइनरी, ये जो 3 वेरिएबल में जो बाइनरी पैटर्न है इसको एज अ मीन टर्म में एक्सप्रेस करना हो तो इस तरह से किया जाता है, मैक्स टर्म में एक्सप्रेस करना हो तो इस तरह से किया जाता है। अब ये चीज हमें हर बार बनानी नहीं पड़ेगी, हम कोई भी एग्जांपल लेंगे तो उसका जो फंक्शन जो आउटपुट दिया होगा ना उस पे से हम डिसाइड करेंगे कि उसमें से मीन टर्म कौन सा है, मैक्स टर्म कौन सा है, और ये चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। बट यही चीज मैं आपको गौर करवाना चाहता था कि यहाँ पे मीन टर्म में जो 1 होता है, जो नॉर्मल होता है, उसको मैक्स टर्म में क्या किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर आप देखो तो ये ए है, यहां पे इसका कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट हर बार करना पड़ेगा, इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। तो यहां पे ये चीज आपको समझ में आ रही है, ये टेबल आपको समझ में आ रहा है, और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो यहां पे मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल की भी जरूरत नहीं है।
और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे गारंटी दे सकता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा तो ये वीडियो में जो मैंने समझाया हुआ है वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे ही, अभी आप इसका नोट्स बना लेना, कहीं पे कॉपी कर लो, जो डेफिनेशन जो मैंने लिखवाया है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है। आपका यहाँ पे थियरी बिल्ड होने से ज्यादा कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से बिल्ड होता है इस पे फोकस करना है जब आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना हो। अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो एप्लीकेशन लेवल पे, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप इसको कितना अच्छे से समझते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको समझ में आ गया, एग्जाम्पल लेने से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों को बताओ कि आपको यहाँ पे डिजिटल लॉजिक के लेक्चर्स मिल रहे हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लेना। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ मैं डेली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।